सो है गाइस नाश्ता करने के लिए समुंदर प्रभात फेरी में और यहाँ पे रैली के लिए बोलता हूँ यार, अभी जाने के लिए ना यहाँ पे सभी लाइन में लगना स्टार्ट हो गया है, सभी के सभी आ रहे हैं। और आज तो बहुत ही ज्यादा पकवान बनने वाला है, इसलिए भैया लोग सुबह से तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे सर लोग भी है, थोड़ा सी दिखा देता हूँ फिर चलेंगे अपन सुपर भाग में। ये देखो सभी सामान चिला उला और सभी हो गए। तो दोस्तों सुबह सुबह से भैया लोग अपना जो भी है आज का पूरा काम कर रहे हैं, तो चलते हैं दोस्तों अपन प्रभात फेरी में। तो दोस्तों फाइनली बरस वर्ष एकदम से हो गए हैं रेडी, सीधा बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए। और यहाँ पे सभी भैया आज का पकवान की तैयारी करें, हमारे अभिषेक भाई, धनंजय भैया, मनीष भैया, अंशु भैया, धर्मेंद्र भैया और वहाँ पे हैं हमारे गांव वाले भैया, जो कि आज ये पूरा पकवान का अभी से तैयारी करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पकवान बनने वाला है और बहुत ही ज़्यादा लोग आने वाले हैं, है ना। तो फटाफट नाश्ता करते हैं दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपको नाश्ता करने के बाद। तो दोस्तों फाइनल नाश्ता वगैरह हो गया है और हमारा काम है कि आज इसको पोताई वगैरह करना है। तो यशवंत भैया है हमारे टीम में और मनीष भैया हैं जो कि उधर फ़ोन पे बात कर रहे हैं। इधर इसको पूरा क्लीन मतलब फोड़ना है और उसको भी लिपाई करना है, और इधर जो बनेगा ना नया उसको भी लिपाई करना है। तो यही हमारा काम है। उसके बाद लास्ट में जब कार्यक्रम स्टार्ट होगा ना तब मेरे को फोटो खींचने वाला काम मेरा है, मतलब अराउंड कैमरामैन। तो फटाफट इसको करते हैं दोस्तों, फिर मिलता हूं आपको कुछ समय बाद। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे भैया लोग यहाँ पे मिस्त्री वगैरह काम कर रहे हैं। यहाँ पे ललित है इन लोगों की टीम में, अभी काम चल रहा है इन लोगों का। नाश्ते वाला मतलब खाने वाले अलग है, 7-8 लोग, और यहाँ पे ऊपर का क्लीन हो रहा है और मेरा काम हो गया कंप्लीट। देखो उधर पोत दिया हूँ, व्हाइट दिख रहा है नहीं ये। दोस्तों फाइनली इधर का कंप्लीट हो चुका है और ये देखो, अरे पानी में दूर रहा है भाई, कोई गल नहीं, हमको तो रहना है और फिर चले जाना है। तो इधर दोस्तों इधर देखो कितना क्लीन हो गया है और बहुत ही बढ़िया दिख रहा है भाई ये, ठीक सूखने के बाद ही तगड़ा दिखेगा, अभी नॉर्मल है, डबल मारूँ तो अच्छे से दिख रहा है, वाइट थोड़ा सा, और सूख जाएगा ना तो अच्छे से रग मतलब अच्छे से दिखेगा। तो अभी चलते हैं, फिर किसी नए टाइम पे आप लोगों को नया जगह दिखाता हूँ कुछ कार्य करते हुए। सो दोस्तों फाइनली इधर का काम करें, सभी जगह का तो काम हो गया है, यही बस बचा था इसको थोड़ा से डिजाइन दे रहे हैं। इधर मैम लोग ना साग भाजी वगैरह बोते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा से इसको डिजाइन दे रहे हैं। और हमारे हेड मिस्त्री भैया वहाँ पे बैठे हैं और ललित इधर खनाई कर रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों फाइनली आए हैं और भैया अभी सब्जी बना रहे हैं, वो भी आलू चना, और बहुत ही तगड़ा मजा आने वाला है दोस्तों। हमारे महेंद्र भैया, धनवंत भैया सॉरी, ये दोनों ना बहुत ही मेहनत करते भाई, कसम से मैं बता दूं। और देखो ये सभी खाने के लिए सब्जी तैयार है, गर्मा गर्म। और यहाँ पे हमारे दीदी लोग भी मेहनत कर रहे हैं भाई, कसम से बहुत। ये देखो खाना भी बन के रेडी हो गया है, अब पूरी बस छनेगा। तो दोस्तों फाइनली नहाने के लिए आ गए हैं उसी तरह पे, और यहाँ पे ललित भी है। तो दोस्तों फटाफट नहाते हैं फिर मिलते हैं आपको नहाने के बाद। सो दोस्तों फाइनली तुम्हारा भाई नहा के एकदम से हो गया है रेडी, और मेरे पास उतना ज़्यादा कपड़ा भी नहीं लाया हूँ, इसलिए इसी को पकड़ ली हूँ, क्योंकि आज थोड़ा फार्मर में भी ठीक दिख रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे पास और इस कॉलेज वाला वो नहीं है ना यूनिफॉर्म, इसलिए। और ललित को देखो पटकोट को पहन के हो गया है रेडी, ये जाके सीधा जहाँ पे रुके हैं ना वहीं पे सीधा चेंज वेंज करेगा, बट मैंने यहीं पे कर लिया है। तो चलते हैं दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों फाइनली तुम्हारा भाई आ गया है, इसको देखो दोस्तों, इसको कलर कर दिए हैं, अभी सूखना स्टार्ट हो गया है और थोड़ा अच्छे से दिख भी रहा है। और इधर का पूरा एरिया पूरा गीला ही गीला था, जिसमें रेती मुरूम वगैरह जो भी गिट्टी उट्टी करके इधर नाला को साफ कर दिया हूँ, तो इधर तगड़ा दिख रहा है, उसको बस निकालो बट वो निकल जाएगा। इधर टेंट वेंट भी लग गया है, हाँ, और यहाँ पर सभी हो गया है, और ललित कपड़ा सुखाने के लिए गया है उधर ही, वो वहाँ पर है। यहाँ पे चटाई वटाई भी बिछ गए हैं, यहाँ पे बच्चे भी हैं और राहुल भी आ गए हैं, सर गुरु जी हैं। तो दोस्तों अपना काम करते हैं।
तो दोस्तों फाइनल तुम्हारा भाई एकदम से रेडी हो चुका है और कार्यक्रम भी स्टार्ट होने ही वाला है और हमारे सर भी रेडी हो गए हैं टोडा सर जी। तो चलते दोस्तों बाहर से आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ, काफी तगड़ा है भाई और मजा आएगा आज के इस ब्लॉग वीडियो में। देखो अपना अपना जो भी है कार्य का डांस अपना अभी से रिहर्सल कर रहे हैं और यहाँ पे सभी लड़के ही लड़कियाँ हैं और ऊपर में जी सर। तो दोस्तों हमारे कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है और बाकी सभी देखो पब्लिक यहाँ पे जुट चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे जस्ट बगल में बुजुर्ग व्यक्ति लोग रहेंगे और वहाँ पे है जो गाँव वाले। तो दोस्तों यहाँ पे बाजू वगैरह चल रहे हैं और यहाँ पे रहेगा अपन का मंच। तो दोस्तों तो आज के कार्यक्रम में हमारे सभी सिविल भाइयों को काम मिला है, काम में मतलब बांट दिया गया है काम को सभी को। तो हमारे अभय और ललित भाई का काम है कि सभी को नमस्ते बोल के अंदर जाने के लिए और बैठने के लिए बोलना, और मेरा काम है कैमरामैन कर रहा है दोस्तों। और तुम्हारा भाई ही इस चीज़ में माहिर, तो क्या करें, तो करते हैं दोस्तों थोड़ा सा इन लोगों के साथ मजाक करते। तो दोस्तों तो ये हमारी दीदी है जो हमें हर एक चीज़ में सहायता करती है और बहुत ही अच्छी दीदी के लिए एक लाइक कमेंट करें दोस्तों। और बहुत ही अच्छी कदम से भाई नवा गांव में आए आओगे ना तो इससे जरूर मिलना, बहुत ही अच्छी दीदी। और अभी कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है तो चलिए दीदी बैठते हैं। दोस्तों फाइनली यहाँ पे रेडी हो चुके हैं हमारे छोटी छोटी बहनियाँ बहन और अत्यंत हर्ष का विषय है कि फाइनली कार्यक्रम वगैरह बहुत ही तगड़े से चल रहा है और यहाँ पे अभी क्या बोलते हैं उसको मुख्य अतिथि के आगमन में है और यहाँ पे सभी उनके लिए जो भी यहाँ पर व्यवस्था किए हैं यहाँ पे उनके उद्घाटन के लिए आए हुए हैं सभी और अभी आने वाले हैं और बहुत ही तगड़ा मजा आने वाला है। अभी आए नहीं है ना, इधर से आएंगे तो आएंगे तब दिखाऊंगा। हम तो नाचेंगे, मन की बातें में नाचेंगे।